नमस्कार मंतव्य सहित मो अपूर्व मंतव्य आज विषय वस्तु रही मानवा को बाध्य सत्यवादी विधायक उमाकांत सामंतराय आज कल्याणपुर पंचायत रे प्रचार करुथिले बीजेडी विधायक प्रार्थी रुद्र महारथी आ ठीक से बेले जे महिला अभियोग करते कि भावे पॉलीथिन घरे से माने जीउछंती एवं शासनर 35 वर्ष पर जिते महारथी शासनर 35 वर्ष पर पक्का घर मिलना खोद विधायक यह स्वीकार करूँ जिते महिला से कथा को सामना को आनी चित्कार कर स्वर दाबी देवा उद्यम कर प्रथम आस शुणा जो कल्याणपुर पंचायत में जितेबाला प्रचार करुले उमाकांत सामंतराय कौन घटी से घटना योजना गोटाए दिन सरी जाए मान ये केवल ढेलांग ब्लॉक अवस्था नुहे ये पूरी जिले फनीर भयंकर अवस्था तीन दिन तले जो मुख्यमंत्री हमको डाक आलोचना कले आम गोटे कथा मुख्यमंत्री पाखे दाबी रखिल घर को गला बेले माँ टे देखे घर डेढ़ वर्ष पर पॉलीथिन टा घर रही तो इन्हें आलोचना करेंगे आम सहित अच्छा बीजेपी नेता सुरथ विश्वाल अच्छा श्रीयुक्त विश्वाल आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को ये हूँ शासनर सत जे दुई दशंधि शासन आपर एवं पलिथिन तले लोक जीवन विधायक निजे स्वीकार करुँचु जदि महिला अभियोग आणुँचा चुप कर दि जाऊँगी बाध्य कर चुप होगापी यह हूँ सुशासनर लक्ष्य बोध हुए 35 वर्ष प्रतिनिधित्व कर प्रदीपारथी 35 वर्ष रु मात्र 5 वर्ष छाड़दे 30 वर्ष प्रतिनिधि सरकार क्रमगत 21 वर्ष रही सर्वनिम्न व्यवस्था सर्वनिम्न व्यवस्था लोक चाषी एवं विशेषकर फनी सहायता रे मोदी सरकार सफिशिएंट सहायता एवं घर तोलिबा पैसा दे सुधा बेलांग ब्लॉक फनी सहायता एवं घर कहीं मिलला ना प्रति प्रति गाँव रटना ये विधायक हूँ बीजेडी रे भी हूँ चाहिए समग्र डेलांग पिपिली स्वर उठी फनी सहायता मोदी देते बाट बारणा कला किए कहीं गरीब लोक जरी मतलब पलिथिन घोड़ी बर्तमान कालातिपात कर तमें नड़िया चांच घरे रही लोकर कांथरे तम पता नहीं दलिय पता मारु रजा लगे कथा 21 वर्ष सरकार उमा सांतरा कहते राति के सांगे सांगे दुख जाए नी समय लगे समय लगे विजु बाबू पुओ को बापा स्वप्न पर समय लगे महारथी पुओ को बापा स्वप्न पूरण करने समय लगे ये कथा सत्यवादी विधायक कहवा दरकार कहते कौन समय है आ बहुत समय लगे आपड़ धर्य सहित अपेक्षा कर चुपचाप कर लोक स्वर को आज दबे पारे ना परिवर्तन सपक्ष जनता मनस्थिर करल जल देखुं केमी केन्द्र दौर सहायता राशि को लुट कर गरीब आईसा को केमी धनी लोक ना कि पलाऊं एक कथार उत्तर उमा सांतरा आगु आउ थे आज भी स्वीकार कले हम ना सोता कह दरकार एत दिन भितर कहीं मिलना टाइम पंचान बजार कहीं मिलला ना कहीं घर प्रधानमंत्री आवास घर खंडे मिलला ना ये कथार उत्तर उमा सामंतराय हूँ दल नेतृबृंद हूँ दबा दरकार किंतु उमा सामंतराय तो निजे कहले ना विकास हो जोटे प्रक्रिया योजना केवे सरी जाए गोटे योजना जीव आउ गोटे योजना आसो लोके धारावाहिक भाव उपकृत होती उमा सामंतराय मन पके दबा दरकार योजना आसिकी योजना गला लोक पाखे पहुंची योजना गणति कले मुख्यमंत्री निजे कहीपर पिठा कुआडे गला कालिया कुआडे गला योजना उमा सामंतराय कौन कहे योजनार ना कम ना
ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେତେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କେତେ ଦିନ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କେବେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ଠୁ ବିଜୁଳି ବତୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଜ୍ଜଲା ଗ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଲିକା ନାହିଁ? ଚାଷୀ ତାଲିକା କାହିଁକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଗରିବ ତାଲିକା କାହିଁକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲେ ସରକାର ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ, ଏକଥା କହିବା ଦରକାର। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरत विश्वाल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य आम सहित इन आलोचना करुते सरकार को समालोचना करने सहित आते दिन दरकार जे विकास तृणमूल स्तर में पहुँचव आउ योजना किभली लोके हिताधिकारी प्रकृत हिताधिकारी योजनार सुफल पाए से नहीं सरकार को मध्य वर्तमान जवाब देवार समय आसी। आम सहित अनंत महांती अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त महांती आपन को स्वागत करुच्छे आलोचना को। आउ केते वर्ष लगे विकास को आगे बढ़ावाई जबले उमाकांत सामंतराय कहते जे विकास होउछ गोटे योजना गोटे प्रक्रिया योजना पर योजना आसिबो लोके धीरे धीरे उपकृत हेबे प्रकृत रे ए धीरे धीरे रो शेष प्रक्रियाटा केबे सरिबो आउ केते दशंधिर शासन दरकार हनु मल्ला बेले सत कहे विगत दिन रे जनसाधारण कठारु आरंभ करी ओडिसार समस्त विरोधी दल एवं बहु सामाजिक संगठन एवं विभिन्न आरटीआई एक्टिविस्ट राज्य सरकार निकटरे विभिन्न फोरम रे विभिन्न प्लाटफर्म रे बारंबार दर्शे चेतै दैथिले एवं दर्शाइथिले जे आपणकर अनेक योजना लोकंक पाखरे पहुंचु नाही। आउ जो निर्दिष्ट योजना उपरे वर्तमान आलोचना चालिछि जो कि फनी बात्या परवर्ती क्षेत्र रे बहु प्रभावित होइथिबा पुरी जिल्लार पिपिली डेलांग अंचल को मध्य ताहा पहुंचे नाही एवं से निजे स्वीकार करिसेंति जे या केवल डेलांग ब्लॉक नुह समग्र पुरी जिल्ला रे एही कथा टिकक बुझिबा पई उमाशंकर महोदय जे कि बा विधायक अछंती तांकु डेढ़ वर्ष लागिला एवं सेठाकार जे विधायक थिले पूर्वतन मंत्री थिले एवं एकदा नवीन बाबूंकर जे कि घनिष्ठ महारथी एवं महारिवा आज जे निर्वाचन लड़ुछि से माने आज सुधा आउरी बुझी नाहंती एवं से माने एबे भी दाबी करुछन जे नाही लोकंक पाखरे राज्य सरकारंकर योजना पहुंचिछि। जो कथा उमाशंकर बाबू कहते आपण माध्यम उमाशंकर बाबू को मुझे कहवाक चाहे एवं प्रश्न भी पचार चाहे जे सी कहते योजना सरी जाए योजना सरी जाए सी जाणी ना बोध हुए 2000 मार्च जिते आरंभ होता विजु युववाहिनी 14 मार्च आरंभ होता विजु युववाहिनी से विजु युववाहिनी योजना सरी जाइए अनेक योजना रही जोटि की योजनार अंत घटी किंतु से ही योजन कौनसी लोक बा कौनसी उपयुक्त बेनिफिशियरी से माने तार फायदा उठे पारि नहांती से माने पाखरे पहुंची पारि नै। आज केवल ए गोटिए कथा नुह पुरी डेलांग रो कथा नुह समग्र ओडिसा वासी निकट रे विभिन्न योजना एभली भाबे पहुंचे नै एवं राज्य सरकारंकर बहु योजना विफल घटिछि ताहा उपयुक्त हिताधिकारी पाखरे पहुंची पारि नाही। केवल गोटिए नुह आपण वार्धक्य भत्ता ठ आरंभ करिकि छता जुता ठारु आरंभ करी जे कोनो से शीर्ष स्तरीय योजना पर्यंत राज्य सरकार संपूर्ण रूपे विफल होइछंती एही कथा बुझबा दरकार। विफलता को सामना काणिबो त संपूर्ण महिलांक भली तांको आवाज को मध्ये दबाई दिया जिवो चुप कर दिया जिवो चित्कार करी आवाज को दबाई दिया जिवो जे किछि कुओ नाही अभिजोग नाही धीरे धीरे विकास प्रक्रिया रे तमे मध्ये शामिल हेबो ए सुनेली स्वप्न जाकी विगत 20 वर्ष धरि देखैछंती आगु को मध्ये बोध हुए ए सुनेली स्वप्न रो सहारा नहीं बीजेडी गोटिए परे गोटिए निर्वाचन रे विजय लाभ करछि हई कुआ जाई पारे। हां निर्दिष्ट भाबे जेहेतु सरकार गोटिए 21 वर्ष रहिला परे कोनोसी गोटिए योजना को जदि सठिक ढंग रे एवं सफल भाव रे जदि राज्य सरकार रूपायन करि पारथांते ताहाले कुआ जाई पारथांते जे हां ठीक अछि उपयुक्त गोटे सरकार आ सरकार केते दिन कले बुझिबे आउ केतोटी वर्ष दरकार कोन योजना प्रणयन हेबो लोकंक पाखरे पहुचिबो नाही बरन निर्वाचन आसिले लोकंक पाखरे कहाजिबो एवं तांगो डरेई धमकेई बा कंठरोध करी कहाजिबो जे नाना आमर योजना आगो को रहिछि एवं आमे पुणी आमो स्वप्न साकार करिबु आमे विकास करिबु केवल एई नारे आउ 20टी वर्ष कोन समान शासन करिया पई जानछथि आज डेलांग हला तांको पई गोटे मॉडल लोकंक पाखरे तांको विधायक जहा रखिले एवं उपनिर्वाचन समय रे घर घर बुलिला समय रे जो लोकंकर प्रतिक्रिया प्रकाश हला एहा एक आभास एवं साधारण सूचना राज्य सरकार चेतिबा दरकार एवं आज सुधा मध्य सेमानक पाखरे योजना पहुंचे नाही एभली बहु योजना रहिछि
आपणको गंजाम जिल्लार मुख्यमंत्रीको जिल्लारे भी जो योजना से कार्यकारी करछले ता नाही उपांत्र नि उपकूल पर्यंत सबुठी योजना केमळ भाबे लोकंक पाखरे पहुंची पारु नाही तार चित्र धीरे धीरे सामनाको आसीबार लागछि। प्रभाती परिडा राज्य महिला उपसभानेत्री बीजेपी आम सहित अच्छा आलोचना करने फोन लाइन अच्छा मैडम परिडा आपको स्वागत करुच्छी आलोचना को जानवाक चाहूँगी जे या कौन महिला प्रति राज्य सरकार को जो सम्मान नारा दि जाए माँ को सम्मान यह हूँ महिला प्रति सम्मान जदि जो महिला अभोग आ अभोग को किभली दबे दिजाव से नहीं तप्त रही उठुंट सामने आखपाखे विजु जनता दल कर्मी मैंने यहाँ माँ को सम्मान आज्ञा मुकली राज्य सरकार जो माँ को सम्मान नारा देउछंती यहाँ हूँ माँ को सम्मान जे जेते महिला जड़े अभियोग सामना को आणुची ता स्वर को चपे देवा पे उद्यम करा जाउची जोर जबरदस्त विजु जनता दल रे ये भी चिरास्थित अभियान कि माँ को सम्मान रे केवल पेंकर नारा और स्लोगन किंतु जदि केही मातृजाति को जदि केही केवे सबुठ असम्मानित करे से होची एही दल जे महिला को पाई ओडिसा रे काळ सजिवा को जाउ तो कहा जाए पारे जे जो माने निज योजनार सुफल पाईना आगु को आईले से स्वर एम आगु को मध्य चपे दिजाव आ विधायक निजे स्वीकार कर पक्का घर एपर्त से लोकों पाखे पहुंचे पारिना जो ठीक जाऊँ लोके से पलिथिन घर देखा देखिए सब अंचल प्राय मान पलिथिन टाणी लोक रही लोक आज भी निर्वाचन प्रचार में पिपिली लोक महिला मैंने बाहर को आसुचान गुहारी करी बर्षा दिन आसवा देढ़ वर्ष है कमी गला सरकार स्थायी घर खंडे दे सकना ये ही हूँ सत्य ये ही हूँ सत्य जो सत्य उपरे जमी हाथी मारी कुल्ला घोड़ेबार अपचेषा करजु जनता दल और उमा चाउंसाई बहुत वीडियो भी भाइराल गुंडागर्दी कर लोक धमक विभिन्न विधायक थाना मोर तहसिल मोर ब्लॉक मोर ये अहंकार ये भाव में माँ को सम्मान देवे कौन सरकारी योजना को हरिलुट करने विजु जनता दल तृणमूल स्तर रु विधायक पर्यंत समस्त एकजुट किंतु से पॉलीथिन घर देखे बीजेडी वोट नहीं जाऊँ किंतु बीजेपी से पॉलीथिन घर को देखे निज सपक्ष में वोट आनी पारुनी या मध्य आपन को स्वीकार करबा को पड़िबो देखो आम बार बार कहू जे मुंड गुंजवाई गोटे घर प्रधानमंत्री दौरान आप देखे लड़ाई लड़ाई है जो थे विजु कुड़िया प्रधानमंत्री आवास योजना रे विजु कुड़िया विजु पक्का घर लोगो लगे ये घर विजु बाबू देखते नवीन बाबू देखते बोली गाँ गरीब को बुझेबार अपचेषा कला बीजेपी आज केन्द्र सरकार इंटरवेंशन रे पुणी थे प्रधानमंत्री आवास योजना एक लगी पारे बोली है ये जो परघर सीएम कुणिया चर्चा करार कम ये राज्य सरकार जो करुची ये तृणमूल स्तर में सरकारी अधिकारी मान जब केन्द्रीय योजन निज ना लगे कर इलेक्शन प्रचार होर भी बोली से लोक कहते जल जीविका मिशन में पा भी से दौंती कहते तेनाली ये जो गोटे गोटे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भितर जो गाइडलाइन रहा कथा जो कम्युनिकेशन रहा कथा केन्द्र जहाँ दौर केन्द्र राज्य जहाँ दौर राज्य किंतु राज्य इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी बोली केन्द्र सब कथा को निज निज कही लोक विभ्रांत करती ये विभ्रांत फोन बहुत जल्दी खोल नहीं कम से कम पिपिलीवासी को आप बुझे पार्टी कि ना जे देखूँ फनी बात्या को दुई वर्ष पूरा जाऊँगी एपर्तंत घर खंडे आपको मिलला ना अनेक अंचल पानी समस्या मध्य सामना को आसूँ जो मौलिक समस्या सामना को आसूँ कम से कम उपनिर्वाचन आप लोक बुझे कि नहीं 35 वर्ष धरी जड़े शासन कले एपर्तंत कौन सुफल से पाखे पहुँची ना एथर गोटे पर दरकार एथर बीजेपी सफल हम बुझे पारे लोक एक गाँव लोक निजे बाहर को आसी कहते फनी दल क्षय क्षति एपर्त पहुंची ये सब जवाब निश्चिंत भाव पलाट रे हम एवं मे 2 तारीख आर जवाब पिपिल डेलेंगा बस्ती निश्चय देवे कि विकास नारा दे लोक विनाश आड़ को नौ विजु जनता दल ठीक जवाब ये निर्वाचन निश्चय मिले ओके बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाती परिडा राज्य महिला उपसभानेत्री बीजेपी आम सहित आलोचना करुते पिपिली और डेलांगवासी
ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯେଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ମିଛକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବେ ଥୋଇ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସତକୁ ସତ ଭାବେ କହି କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହିଁ? ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ଲୋକେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ କଳ ବଳ ଧନ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବାରେ ତାଙ୍କରି କେବଳ ଯିଏକି ନମୁନା ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେ ବିଫଳ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ବିଜେପୁର ବି ଦେଖିଛେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବି ଦେଖିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ 8 ପାଖାପାଖି ଉପନିର୍ବାଚନ ଘଟିଛି ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶୀର୍ଷ ବା ଚୂଡାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଧରାଯିବ ଇସୁ, ସେ ଇସୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାହାର ବି ଫାଇଦା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବଡ ଧରଣର 80% ବଳ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉ 20% ବଳକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, କେଉଁଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ଭୋଟର ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଲ୍ୟାଣପୁର, ଯେଉଁଟା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ର କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଶ୍ରେଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଯିଏ ସେଠାକାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ। ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ ନିଜେ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ପିପିଲିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାହା ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଘର ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଧାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନି ବାତ୍ୟାର 2 ପରେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ସମାବେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ନଦୀ ପାଖରେ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନଳକୂଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ନଦୀରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ, କାଳେ ହୁଏତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଖବରଟିକୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ସରିଥିଲା ସଭା ସରିଥିଲା ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମୀ ଯିଏକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଦେଖା କରି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅମଳରୁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି, ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନି ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସଭାରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ବିଧାୟକର ଭାଷଣ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା
दिखाई लोक बाटमारणा होती लोकों पाखे योजना ठीक भाव में पहुंची पारनी एमती कि शासक दल जो मैंने कर्मी रही पाखे बर्तमान घर ना राशन कार्ड ना अपूर्व अर्थात शासक दल विरोध में पिपिली गोटे असंतोष भितिरिया कुहलुच कहुपे निश्चित भाव में असंतोष तो रही विशेषकर आम जदि आज चित्र देखा जो मैंने महिला बीजेडी समावेश रे जोग देते भितर असंतोष अच्छी किए पीवाई पापी अभोग कर तो किए राशन कार्ड एवं घर पर अभोग कर सब भितर अधिकांश लोक आम सहित आलोचना करूँ लोक मुख्यतः मुख्य समस्या है फोनी बात्यार जो सब उजुड़ी जाकर घर वर्तमान सुधा घर से पाई ना विभिन्न समय सरकार जो मैंने प्रशासनिक अधिकारी अच्छा सहित तर द्वारस्थ होती दरखास्त देते कि तार फलाफल किसी पापार ना जहाँ को नहीं असंतोष अच्छी कितु ये गोटे निश्चित भाव में आश्चर्य विषय कारण विभिन्न समय आम देखीचु नजर अच्छी शासक दल जो मैंने भी कर्मी रही था से हड़प कर योजना नाँ एकाधिक योजना रही है दुईट इंट्री आवास रही है आधा जो आम जदि रेशन कार्ड कथा कहकर तीन चार थाए घटना अनेक देखी अनेक उदाहरण आंतु एटी गोटे अजब उदाहरण आम देखू जो शासक दल जी पूर्वतन कर्मी पुराणा कर्मी विजु बाबू अमल अच्छू निजक परिचय दूसरे योजना पहुँचुनी घर ना राशन कार्ड ना गणमाम आगे से स्पष्ट कर उक्ति रखी मत कि दि जाए मुझ बारंबार दौड़ी किसी पाने और विधायक को अभियोग कर विधायक हूं तो आम जो पचारूँ से स्पष्टीकरण रखी थे जे 98% लोक पाई 2% पाई ना कि कौटिना क्योंकि ये स्पष्ट कर लोकों पाखे सब योजना पहुँची पार बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टन रथ आम प्रतिनिधि सीधासल ग्राउंड रु अधिक चित्र देखते अनंत महांति वरिष्ठ सांबादिक आम सहित आलोचन सामिल होते प्रभाती परिड़ा सुरत बिक्सवाल बीजेपी प्रमुख नेत्री और नेता आम सहित सामिल होते तेज मानवाक बाध्य विधायक उमाकांत सामंतराय निजे स्वीकार कर दुई वर्ष पर स्थानीय प्रशासन एवं सरकार के बासहीन को एपर्यंत पलिथिन खंडे जोगाइबारे सक्षम होना एवं जहाँ भी पलिथिन दुई वर्ष तेज मिलता ताँटना के वर्तमान परिस्थिति में जराजीर्ण अवस्था लोके भितर मुंड गुंजी रही लोके जिते अभोग करते शासक दल विधायक और शासक दल कर्मी किभली भाव महिला छाड़ूना बाध्य चुप रही समय सरी मंतव्य को यही रखु नमस्कार।